दोस्तों, सियासत की अगर बात कहते हैं तो सियासत में कहा जाता है कि ना तो कोई स्थायी दोस्त होता है और ना ही कोई स्थायी दुश्मन होता है। लोकसभा चुनाव के दौरान ऐसी एक मिसाल देखने को मिली है चूरू में। किसी जमाने में दारिया एनकाउंटर मामले को लेकर जुदा जुदा नजर आने वाले दिग्गज बीजेपी के नेता राजेंद्र राठौड़ और राम सिंह कस्वा अब एक बार फिर से साथ साथ नजर आ रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ ने बतौर बीजेपी प्रत्याशी राम सिंह कस्वा के बेटे राहुल कस्वा को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। एक तरफ जहां राठौड़ भीषण गर्मी में गांव गांव गली गली राहुल को जिताने के लिए पसीना बहा रहे हैं, वहीं राजेंद्र राठौड़ के बेटे भी राहुल कस्वा को जिताने के लिए पूरी शिद्दत से जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि राहुल कस्वा को दोबारा से यहां पर मौका दिया गया है। आलाकमान ने कस्वा परिवार का लगातार इस सीट पर कब्जा रहा है। अब ऐसे में जब राजेंद्र राठौड़ तमाम जो गलत फहमियां थी, जो दूरियां थी, उनको पाट करके राहुल कस्वा को जिताने के लिए जुटे हुए हैं इतनी गर्मी में, तो क्या कुछ वो कहते हैं? हमारे सहयोगी ने उनसे बात की, जरा सुनिए। राठौड़ साहब, आप चूरू में हैं लेकिन आज एक खास तस्वीर दिखाई दे रही है, क्या लगातार तस्वीर होती है कि एक तरफ आप हैं जो कि लगातार जुटे हुए हैं, दूसरी तरफ आपके पुत्र पराक्रम सिंह राठौड़ भी चुनाव प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं? निश्चित तौर पर ये चुनाव मेरे और मेरे परिवार के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव है। हमारे खराब रिश्तों की बर्फ़ पिघल चुकी है। मैं, मेरा पूरा परिवार और मेरे परिवार के रूप में यहाँ का जिला प्रमुख हरलाल सारण जो मेरे परिवार का ही अंग है, हम सब लोग जी जान से जुटे हैं। हमारा लक्ष्य एक ही है, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का, और उसका माध्यम हमें राहुल कस्वा के रूप में वोट दिलाकर हमें मिल रहा है। हम उसी में लगे हैं और मैं समझता हूँ हम अपने मकसद पर कामयाब होंगे। क्या आपको नहीं लगता कि इस पूरे इलाके में अभी वर्तमान में, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है राज्य में, तो आपको नहीं लगता इस पूरे इलाके में कांग्रेस जो है वो भी चुनौती है? एक तरफ नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाए जाने का आप सब बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भी कांग्रेस लगातार चुनाव प्रचार अभियान में जुटी हुई है। कांग्रेस के लोग गाँव के में प्रचार करने के बजाय होटलों में बैठकर प्रेस वार्ता करके अपने चुनाव प्रचार की तीसरी कर रहे हैं। गाँव में तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही पहुंच रहा है, और मैं कह सकता हूं कि इस चुनाव में निश्चित तौर पर कांग्रेस का एक वोट बैंक जरूर है, एक अलग अलग समुदाय के लोगों का, पर आम आदमी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है, जुड़ा रहेगा, और इसीलिए मैं 7 बार लगातार इस इलाके से MLA हूँ। मेरी बात यहाँ के लोग मानते हैं और मैं अपनी बात की कहने के लिए इन लोगों के बीच में अभी बैठा हूँ। आपकी सभाएं दिन भर इसी तरीके से चलती है, पेड़ के नीचे आकर बैठ गए, खाट पर बैठ गए और इस तरीके से संबोधन लोगों को चलता? क्योंकि लगातार तापमान आगे बढ़ा हुआ है, 44-45-46 डिग्री तक पहुंचा है, और जब ठेठ ग्रामीण में अपने अपनों से बात करते हैं तो आडंबर काहे का, कहीं खाट पर बैठते हैं, कहीं नीचे चबूतरे पर बैठते हैं, कहीं चाय, कहीं वृक्ष की छाएँ के नीचे बैठते हैं, अपनों से अपनों की बात जहाँ मौका लगता है वहाँ इसी तरह से कर रहे हैं हम। तो ये हैं हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ साहब, जो कि लगातार चुनाव प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। इनके पुत्र पराक्रम सिंह राठौड़ जो हैं वो भी लगातार इसी अभियान में जुटे हुए हैं। इनका कहना है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाए जाने के अभियान को लेकर ये तमाम लोग साथ चल रहे हैं, और ये बात इसलिए भी कि राम सिंह कस्वा परिवार को लेकर या फिर राजेंद्र राठौड़ को लेकर, दोनों को लेकर बात की जाती थी रिश्तों को लेकर, लेकिन इनका कहना है कि बर्फ पिघल चुकी है, अब सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाए जाने को लेकर सभी काम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन जीतेश के साथ ऐश्वर्य प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, चूरू। सियासी जोश